वही सवाल है आज का कि कौन है महाराष्ट्र का बेस्ट क्रिकेटर और किसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट का नाम रोशन किया, जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि आप सब जानते हैं कि ये एक धर्म है, एक ऐसा धर्म जो सभी लोगों को एक साथ आने पर मजबूर कर देता है। भारत के हर स्टेट में क्रिकेट का क्रेज भाई सिर चढ़ के बोलता है, चाहे आपका जन्म हुआ हो जम्मू कश्मीर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ के किसी भी स्टेट में। अपने बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना आपने कभी न कभी एक पल के लिए तो देखा ही होगा। इंडिया के हर बंदे के खून में क्रिकेट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के हर स्टेट में जन्मे बेस्ट क्रिकेटर के बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो का क्राइटेरिया आप समझ लीजिए। यहाँ हमने सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को शामिल किया है जिनसे कोई ना कोई क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। दूसरी बात, हमने उन्हीं प्लेयर्स को शामिल किया है जो या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर आईपीएल में एक्टिव हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। केरला, संजू सैमसन। दोस्तों, भारत के साउथ कोरिया में स्थित केरला से हाल ही में कई टैलेंटेड यंगस्टर्स निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में ही एक उभरते हुए सितारे हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन फिलहाल इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके हों, लेकिन उनका टैलेंट हर कोई जानता है, किसी को शक नहीं है, और यही कारण है कि हम संजू सैमसन को केरला का बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं। सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं और वो एक विकेट कीपर और एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जिनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट कहा जा रहा है। पंजाब, शुभमन गिल। दोस्तों, पंजाब ने हमेशा से ही महान खिलाड़ियों को जन्म दिया है। युवराज सिंह जैसे महान ऑलराउंडर पंजाब से ही आते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हर एक खेल में इस धरती ने चैंपियंस पैदा किए हैं। बात करें उस क्रिकेटर की जो आज पंजाब का बेस्ट प्लेयर कहा जा सकता है, वो है शुभमन गिल। उनका जन्म पंजाब के फजिलका में हुआ था और वहीं शुभमन ने भारत का वाइस कैप्टन रहते हुए साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। भारत के टेस्ट स्क्वाड में उनकी जगह बन चुकी है। गुजरात, जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, जब बात गुजरात की होती है ना, तो यहाँ पर हमें टफ कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो स्टेट है जहाँ से भारत के बेस्ट ऑलराउंडर कहे जाने वाले हार्दिक पांड्या आते हैं और भारत के बेस्ट फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी आते हैं। लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए मैं जसप्रीत बुमराह को गुजरात का बेस्ट प्लेयर कहूंगा। वैसे आप इनमें से किसको चुनते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। हरियाणा, युजवेंद्र चहल। दोस्तों, हरियाणा वो राज्य है जहां भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कपिल देव का जन्म हुआ था। लेकिन आज के समय में हरियाणा के बेस्ट प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल। चहल आज के समय में बेस्ट इंडियन लेग स्पिनर माने जाते हैं। उन्होंने भारत के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में परमानेंट जगह बना ली है और उनके रिकॉर्ड्स उनकी प्रतिभा का प्रमाण देते हैं। हिमाचल प्रदेश, ऋषि धवन। भारत के नॉर्थ में स्थित हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के 2021-2022 एडिशन पर कब्जा किया था और इस टीम के कैप्टन रहे थे ऋषि धवन, जिन्हें इस स्टेट का बेस्ट प्लेयर भी कहा जाता है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि ऋषि साल 2016 में भारत के लिए 3 ओडीआई मैचेस भी खेल चुके हैं और साल 2022 के आईपीएल में वो पंजाब किंग्स का हिस्सा होने वाले हैं। आसाम, रियान पराग। ये साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और पिछले कुछ सालों से राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं। रियान पराग एक बैट्समैन के साथ लेग ब्रेक बॉलर भी है और आशा है कि आने वाले दिनों में हमें उनकी ओर से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। झारखंड, एमएस धोनी। भाई कौन सोच सकता था कि झारखंड के रांची में जन्मा एक लड़का एक दिन भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमएस धोनी की। 40 साल के उम्र में भी वो बिल्कुल फिट है और इस साल के आईपीएल में सीएसके के लिए खेलने वाले हैं। धोनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताना उनका अपमान करना होगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है और यही कारण है कि वो झारखंड के बेस्ट प्लेयर है। जम्मू एंड कश्मीर, अब्दुल समद। दोस्तों, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर से कई प्लेयर्स निकलते हुए दिखे हैं, जैसे कि परवेज रसूल, उमरान मलिक और अब्दुल समद। लेकिन अगर हमें किसी एक का नाम चुनना पड़े तो वो होंगे अब्दुल समद। जम्मू के राजौरी में जन्मे समद का जलवा हमने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खूब देखा है। वो भारत के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। उत्तराखंड, ऋषभ पंत। दोस्तों, ऋषभ पंत फिलहाल इंडिया के बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कहे जाते हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था और वो इस स्टेट के बेस्ट प्लेयर हैं। ऋषभ की शानदार बैटिंग का नजारा हमें हिस्टोरिक गाबा टेस्ट में देखने को मिला था। तेलंगाना, मोहम्मद सिराज। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा कैसे भारत की क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बना, मोहम्मद सिराज की लाइफ स्टोरी दोस्तों काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे सिराज अपने करियर की शुरुआत में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब तो भाई जैसे उनकी बॉल्स आग उगल रही है। सिराज इंडियन टीम में अपनी जगह बना चुके हैं और आज के समय में वो तेलंगाना के बेस्ट प्लेयर हैं। कर्नाटका, केएल राहुल। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे केएल राहुल भारत के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर हैं। राहुल इस साल लखनऊ सुपर जॉइंट्स की कैप्टेंसी करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट और खास तौर पर T20 क्रिकेट में उनकी बैटिंग शानदार रही है। राजस्थान, रवि बिश्नोई। अब बात करते हैं रवि बिश्नोई की। भारत के उभरते हुए सुपरस्टार ने साल 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस की।
इसके बाद इन्हें आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने खरीदा था, जहां इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी। इस बार बिश्नोई लखनऊ सुपर जॉइंट से खेलने वाले हैं और उन्हें ऑक्शन के पहले ही ड्राफ्ट कर लिया गया था। इससे उनकी काबिलियत का अंदाजा होता है और यही कारण है कि फिलहाल उन्हें राजस्थान से आने वाला बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं। मध्य प्रदेश, वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर का नाम सुन के हो सकता है कि ये आपको साउथ इंडिया के लग रहे हो, लेकिन असल में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। वेंकटेश को आईपीएल में केकेआर ने रिटेन किया था और हाल ही के दिनों में इन्होंने इंडियन टीम में रहते हुए भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। तो भाई, मध्य प्रदेश के किंग तो वेंकटेश अय्यर ही है। उत्तर प्रदेश, दीपक चाहर। दोस्तों, हाल ही के आईपीएल ऑक्शन में दीपक चाहर को सीएसके ने 14 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। दीपक उत्तर प्रदेश के आगरा से आते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश से हमारे भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी आते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम दीपक चाहर को ही यूपी का बेस्ट प्लेयर कहेंगे। तमिलनाडु, रविचंद्रन अश्विन। बात करें साउथ के स्टेट और सीएसके के गढ़ तमिलनाडु की, तो यहाँ के किंग अश्विन ही है। दिनेश कार्तिक और विजय शंकर जैसे प्लेयर्स भी इसी स्टेट से आते हैं, लेकिन अश्विनी इनमें से बेस्ट कैंडिडेट है। आंध्र प्रदेश, हनुमा बिहारी। दोस्तों, साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान हमें हनुमा बिहारी के द्वारा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। बिहारी भारत के टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं और वहीं आंध्र प्रदेश के करंट बेस्ट प्लेयर हैं ये। महाराष्ट्र, रोहित शर्मा। दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट रहा है जिसने भारत को सबसे महान प्लेयर्स दिए हैं। सचिन और सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड्स ने यहीं पर जन्म लिया, लेकिन आज के दौर में महाराष्ट्र के बेस्ट प्लेयर हैं रोहित शर्मा। अब भाई, रोहित भी किसी लेजेंड से कम थोड़ी ना है, और अब तो वो तीनों फॉर्मेट्स में भारत के कैप्टन भी बन चुके हैं। वैसे फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र का अगला सुपरस्टार कौन होगा, हमें कमेंट करके बताइए। वेस्ट बंगाल, रिद्धिमान साहा। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में क्रिकेट का क्रेज भारत के हर एक स्टेट की तरह ही है, और इस स्टेट ने हमें सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स दिए हैं। आज के दौर में वेस्ट इंडीज से आने वाले रिद्धिमान साहा ही भारत की टीम में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए वही इस स्टेट के बेस्ट प्लेयर कहे जाएंगे। दिल्ली, विराट कोहली। 200 महाराष्ट्र के बाद अगर किसी जगह से भारत के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर्स निकले हैं तो वो है दिल्ली। अगर यहाँ के प्लेयर्स को गिनने बैठूं तो शायद लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। आज के दौर में जो प्लेयर दिल्ली का किंग है, वो सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि दुनिया का किंग भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली विराट कोहली की। विराट ने क्रिकेट के मैदान पर जो कुछ हासिल किया, दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है। बिहार, ईशान किशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं अब बिहार की। अब भाई देखिए, बिहारी लोग जो करते हैं वो बड़ा करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अब ईशान किशन भी कुछ ऐसे ही हैं। आईपीएल ऑक्शन में उतरे तो भैया 15.25 करोड़ लेकर माने। बिहार के पटना में जन्मे ईशान किशन भारत के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में जगह बना चुके हैं और अपने स्टेट का नाम पूरी दुनिया में फेमस करने को तैयार हैं। वैसे भाई, आप कौन से स्टेट में रहते हो, हमें कमेंट करके बताएं, जरा मैं भी तो देखूं हमारा चैनल कहां कहां तक पहुंच चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। समरी जान, मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।